ओ ये रहा गोल्ड ब्लॉक, बहुत हार्ड। नाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो हम लोग माइनक्राफ्ट फिर से खेलने वाले हैं। एंड यहाँ पे एक क्या करने वाला हूँ, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूँगा जो कि फुल्ली 100% सर्वाइवल होने वाली। वैसे मैंने सर्वाइवल सीरीज़ बहुत पहले भी स्टार्ट की थी, बट वो स्ट्रीम पे मैंने की थी तो इतना आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगा था। तो कुछ लोग कह रहे थे फिर से सर्वाइवल सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आ चुका हूँ एक न्यू सर्वाइवल सीरीज़ के साथ। और यहाँ पे अपने वर्ल्ड पे आ चुका हूँ जिस वर्ल्ड में ये सीरीज़ मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड पे मैंने कुछ टेक्सचर पैक वगैरह यूज़ किए हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। नीचे ग्रास चेंज हो रखे हैं थोड़े से नॉर्मल माइनक्राफ्ट से, वो इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस मुझे मिल सके ये सर्वाइवल सीरीज़ खेलते टाइम, और आप लोगों को भी थोड़ा सा अलग लगे, एकदम भाई घिसा पिटा माइनक्राफ्ट जैसा फील ना आए। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सर्वाइवल सीरीज़ अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करता है, वो ट्री देख रहे हो तो उसमें से वुड्स निकाल लेते हैं। वेट अ मिनट, ये विलेज है? ओ भाई साहब, कितना मस्त स्पॉन मिला भाई, यहाँ पे विलेज भी है। नाइस। ओ बहुत हार्ड भाई। तो इस विलेज में जाने से पहले ये वुड्स निकाल लेता मैं, ये छोटे वाले ट्री से। अब इन वो क्लॉक्स के जो है प्लैंक्स बनाते एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बना देता, एंड इस क्राफ्टिंग टेबल को नीचे रखते, ये क्राफ्टिंग टेबल, इसमें से स्टिक्स निकाल लेते, प्लैंक्स निकालते, एक और जो है वुड की पिकैक्स बना लेते। तो यहाँ पे हम आपको वुड की पिकैक्स आ चुकी है। तो अब क्या करता, विलेज जो ये देख रहे हो ना, ये विलेज, तो इसको एक्सप्लोर करते और देखते हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, खाने वगैरह की चीज़ें। ओ ये रहा बेड, यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते और इस चेस्ट में देखते क्या मिलता। ओके, तो यहाँ पे एप्पल्स हैं एंड यहाँ पोटैटोज हैं, तो एप्पल ले लेते हैं, खाने के काम आ जाएगा। ओ बगल में एक और घर है, बहुत सही, और इसमें भी चेस्ट है, बहुत हार्ड भाई, और इसमें भी एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स इधर चेस्ट में डाल देता, ब्रेड लेके चलते बिकॉज ब्रेड बेटर रहेगा, और 3 गोल्ड के नगेट है तो वो मेरे काम के नहीं है। वेट अ मिनट, रुइंड पोर्टल भी है? ओ भाई साहब, एक विलेज यहाँ पे रुइंड पोर्टल भी है, नाइस। मस्त यहाँ से नेदर में भी जा सकता। और एक और बात, ये विलेज बड़ा है, बेटा मिनट रुको, एक मिनट देखने दो। ओ भाई साहब, वहाँ पे भी है, उधर भी घर है, इधर भी है, भाई बहुत बड़ा विलेज है। और ये पिंक पिंक क्या है, ये आयरन गोलम है? ओ हाँ, अच्छा हाँ, ये टेक्सचर पैक का ग्लिच है, टेक्सचर पैक की वजह से बेचारे आयरन गोलम की हालत हो गई, इसका टेक्सचर पैक ही नहीं लोड हुआ, बेचारा सैड भाई, सो सैड। ओ यहाँ पे भी चेस्ट है, ओ एमरल्ड है, बहुत सही एमरल्ड, चलो यहीं रख रहने देता एमरल्ड, क्योंकि मेरे को काम तो है नहीं अभी एमरल्ड का। और लाइब्रेरियन किधर? अच्छा सोने जा रहा है बेचारा। इसमें चेस्ट है? ओ बढ़िया, चेस्ट भी है, बेड भी है। इसमें क्या है? ओ एमरल्ड इसमें भी है, और बेड ले लेते हैं। ओ सर जी उठो, मैं सोईगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी पहली रात तो हो चुकी है, विलेज की वजह से हमको बहुत इजी काम हो गया। कि एक काम करता है, यहाँ पे एक विलेजर ये घर के अंदर है तो इसका गेट ब्लॉक कर देता ताकि ये बाहर ही ना आ सके। अब क्या करते हैं, अपने लिए जो है स्टोन कलेक्ट करते, स्टोन माइन करते और स्टोन की टूल्स वगैरह बना लेते। यहाँ पे हमारे पास स्टोन के स्वर्ड है, पिकैक्स हैं, एक्स हो चुकी है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ये हे बेल्स हैं तो इन्हें कलेक्ट करके थोड़ा ब्रेड बना देते। तो यहाँ पे 39 ब्रेड्स हो चुकी हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास स्टोन की चीज़ें हो चुकी हैं, ब्रेड हो गया, खाने के लिए फूड का भी जुगाड़ हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनिंग पे जाते हैं और फटाफट से अपने लिए आयरन के आर्मर्स एंड टूल्स वगैरह बना लेते हैं। वेट अ मिनट, ये आर्मर का घर कैसे छूट गया भाई मेरे से? ओके, तो ये रिचेस्ट भी है,
ओ भाई यहाँ पे आयरन की लेगिंग्स हैं एंड आयरन की बूट्स हैं भाई साहब, ओपी। और गोल्ड की इंगट यहीं पड़े रहने देता। तो यहाँ पे मेरे पास आयरन के आर्मर हो गया, बहुत बढ़िया है यार, नाइस। अच्छी लूट दे दिया बंदे ने, अच्छा आर्मर था। थैंक्स। यहाँ पे मैंने 44 आयरन्स माइन कर लिए हैं। अब क्या करता है, क्राफ्टिंग टेबल रखता, एक फर्नेस बना लेते फटाफट से। तो यहाँ पे फर्नेस बनता, ये रहा फर्नेस। एंड इस फर्नेस को यहाँ रखते, इसमें लगाते नीचे साइड कोल, और जितने भी आयरन है इनको स्मेल्ट कर लेता। और जैसे ही ये स्मेल्ट हो जाते हैं, जितने भी आयरन मैंने लगाए स्मेल्ट हो जाते हैं, उनसे मैं आयरन की स्वॉर्ड, पिकैक्स, एक्स एंड अपने लिए जो है आर्मर्स में हेलमेट, चेस्ट प्लेट एंड शील्ड, ये सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है। तो अब क्या करता हूँ, फटाफट सारा आयरन के जो है आर्मर्स एंड टूल्स बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सब कुछ आयरन का हो चुका है, ये रही स्वॉर्ड, ये रहा एक्स, सब कुछ मेरे पास आयरन का हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, और नीचे जाते हैं, नीचे एट डिग डाउन करते हुए, नीचे पीछे आप देख सकते हो ये स्टेयर्स दिख रहे हो, तो नीचे डिग डाउन करते हैं और अपने लिए डायमंड की चीज़ें कलेक्ट करते हैं और डायमंड के आर्मर्स एंड टूल्स बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 37 डायमंड्स माइन करके चेस्ट में इधर रखी थी, ताकि मैं मरूँ तो जाए ना मेरे डायमंड्स। और बाकी और भी ये डीप स्लेट बहुत सारे माइन हो गए, बिकॉज माइनिंग करते करते मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ है। तो अब क्या करते हैं, फटाफट से अपने आप को डायमंड को बना लेते हैं, मीन्स डायमंड के आर्मर्स एंड टूल्स बना लेते हैं, जो हमारे बेसिक आर्मर्स एंड टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए डायमंड का सारी चीज़ें बना ली है, ये देखो डायमंड के आर्मर्स एंड डायमंड की स्वॉर्ड, डायमंड की स्वॉर्ड एक्स एंड पिक एक्स। तो यहाँ पे हम डायमंड का बना लो ये हैं अपने लिए सारी चीज़ें, और बन पहन के चलते हैं अपने आप को बाहर लेकर। और अभी भी मेरे पास डायमंड बच गए कितने, 5 डायमंड्स मेरे पास बच गए हैं। थोड़ा सा मैंने इसलिए एक्स्ट्रा माइन किया, ताकि मेरे को अभी वो बनाना पड़ेगा इंचैंटमेंट टेबल, तो उसमें भी लगेंगे डायमंड्स, इसलिए एक्स्ट्रा डायमंड माइन कर लिया मैंने। तो आओ लो फटाफट से अब अपने पुराने घर पे जाते हैं, और वहाँ पे जो भी चीज़ें मेरे काम की नहीं है उन्हें चेस्ट में रख देते हैं। ओके, तो ये हम अपने घर पे आ चुके हैं। अब चेस्ट में ये चीज़ें रख देते हैं, लाइक ये डायमंड एंड ये आर्मर्स आयरन की, जो अभी मुझे यूज़ ही नहीं है। और ये साइन बोर्ड बनाया था, ताकि मेरे को रास्ता भूल लूँ ना, और एप्पल रख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायमंड की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और अब क्या करना है, अपने लिए एक छोटा सा या बढ़िया सा बेस बनाना है, ताकि वहाँ पे मैं रह सकूँ, क्योंकि ये छोटे से घर पे थोड़ी रहेंगे हम, बड़ा सा बेस बनाएंगे अपने लिए। तो वो आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये सर्वाइवल सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, तो फटाफट से कमेंट में मुझे बता दो, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और शायद सब्सक्राइब भी नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेट अ मिनट, जाने से पहले ये रुइन पोर्टल तो चेक कर लूँ भाई, चेक ही नहीं किया, इसमें क्या मिलेगा मेरे को। ओके, ये रही चेस्ट, चेस्ट में एड एफिशिएंसी 3 की गोल्डन पिकैक्स, आयरन नगेट, गोल्डन नगेट एंड गोल्ड के प्रेशर प्लेट, ओके, और फ्लिंट एंड स्टील पड़े रहने दो इधर। और कुछ है यहाँ पे, ब्लॉक होना चाहिए यार, गोल्ड ब्लॉक, हेलो। ओ ये रहा गोल्ड ब्लॉक, बहुत हार्ड, नाइस।